अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू लेकर आया हूं, कैमरा रिव्यू लेकर आया हूं रियलमी 5 का। और ये फ़ोन जो है हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में बहुत आइडियल प्राइस के साथ आया है। स्पेशली यहां पे जो 4GB 64GB वाला बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरियंट है वो हमें तकरीबन 23.5 से 24 हज़ार रुपये के बीच में मिल रहा है। ये बहुत आइडियल प्राइस है अगर हम इस स्पेसिफिकेशन की बात करें। और यहाँ पे जो कि हमें 4 कैमराज मिलते हैं बैक पे और इसी तरह फ्रंट पे एक सेल्फी कैमरा मिलता है, तो इन कैमराज को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों का ये मसला हल करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूँ कैमराज का रियलमी 5 का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कैमराज की स्पेसिफिकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया बैक पे हमें 4 कैमराज मिलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है, वाइड एंगल लेंस है ये। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 13mm वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है ये। तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का लेंस है, डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है ये, छोटे छोटे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है। चौथा जो लेंस है हमारे पास वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का लेंस है। मैं आपको बताऊं इन कैमरा से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर, और इसी तरह 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जायरोस्कोपिक बेस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, बहुत ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन। बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा मिलता है और ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग आप इन कैमरा से कर सकते हैं। मैंने आपको भी क्या कहा था कि इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छी डिवाइस है, और अगर आप इस प्राइस रेंज में आप अच्छे कैमरा डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो भी मैं आपको डेफिनेटली अभी से सजेस्ट कर रहा हूं। अभी मैंने रिव्यू स्टार्ट नहीं किया लेकिन मैं अभी से सजेस्ट कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छी डिवाइस है। चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टिल्स हैं मेरे पास जो मैंने डे लाइट में कैप्चर किया आप लोगों के लिए इस कैमरा से, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये मैंने डे लाइट से कैप्चर किया है, और यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। ये जो तस्वीरें ये असल में ये इस वक्त आप देख रहे हैं ये बाइक फोकस में है और बाकी चीज़ें फोकस में नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ये मैं तस्वीर कैप्चर कर रहा था उस वक्त मैं खुद भी बाइक पे बैठा हुआ था और मैं मोबाइल को जो इस तरह मूव कर रहा था जिस तरह मैं आगे बढ़ रहा था, तो इसने इस बाइक को जो है फोकस में रखा है, बाकी चीज़ों को ब्लर कर दिया है। दोस्तों ये थी डे लाइट की स्टिल्स जो अभी मैंने आप लोगों से शेयर की। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लो लाइट की जो स्टिल्स हैं इसके बैक कैमरा से जो मैंने कैप्चर किए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये मैंने लो लाइट पे कैप्चर की है, और यहाँ पे देखें कि यहाँ इस तस्वीर ने लाइट्स, ये जो हेडलाइट्स हैं गाड़ियों की, इसको ज़रा आप थोड़ा गौर से देखें, बहुत खूबसूरती से इसने फोकस करने की कोशिश की और हर एक कलर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है कवर किए। तो डायनेमिक रेंज जो है वो इसकी तकरीबन बेहतर काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा इसको लेकिन तकरीबन बेहतर काम कर रही है। और इसके अलावा जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड यहाँ पे कैमराज नहीं है, काफ़ी हद तक बेहतर है। अब इस तस्वीर को देख लें, यहाँ पे भी इस कैमरे ने बहुत अच्छा हर एक कलर को बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर किया, और ये काफ़ी लो लाइट की तस्वीर है, मैं आपको बताऊँ ये काफ़ी हद तक लो लाइट है। तो बैक कैमराज लो लाइट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों ये तो थे स्टिल्स इसके बैक कैमराज के, अब मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ इसके बैक कैमरा से जो मैंने कैप्चर किए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वीडियो में इसके बैक कैमराज की परफॉर्मेंस किस तरह है। तो ये एक सैंपल है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैंने डे लाइट में कैप्चर किया था, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा किस तरह की हमें जो बैक कैमराज है उनकी परफॉर्मेंस मिलती है। और ये जो वीडियो ये मैं जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन, कलर प्रोडक्शन, कलर रिप्रोडक्शन और डायनेमिक रेंज, हर लिहाज से कैमराज की परफॉर्मेंस मुझे वीडियो में भी सेम ऐसे ही मिली जैसे स्टिल्स में मिली थी। भाई कहाँ खड़ी है भाई, बताया। दोस्तों ये तो थी इसके बैक कैमरा की परफॉर्मेंस, अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में। फ्रंट पे हमें 13 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा मिलता है, और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको एक कमेंट आया था मुझे उसमें मुझे इसकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो थी उसमें मुझे कमेंट आया था इसका फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो कैसा परफॉर्म करता है, तो मैंने उनको रिप्लाई में ये कहा था कि अगर आप सुबह उठ जाएं और बग़ैर मुंह धोए इसके फ्रंट कैमरा से आप अपनी जो सेल्फी है वो कैप्चर करें तो आप बिल्कुल शाहरुख खान लगेंगे। तो वो बहरहाल मैंने मजाक में कहा था,
लेकिन आप यकीन जाने इसका जो फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो आपको इतना गोरा कर देगा, मतलब मैंने जब अपनी तस्वीरें इस पे कैप्चर की थी मैं हैरान हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना गोरा नहीं देखा जितना इस मोबाइल के कैमरा ने दिखाया, और मैं वाइटनेस को कम करने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं यार, ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको अपने आप को गोरा देखने का शौक है तो भाई ये कैमरा फिर आप ही के लिए बना है। लेकिन बहरहाल मजाक को एक तरफ रखते हैं, अगर हम सीरियसली इनके कैमराज की बात करें तो वाकई गोरा तो ये बहुत ज़्यादा करता है आपको। मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ आपको स्टिल्स के, आप देखें आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये मैंने सेल्फ़ी लिया डे लाइट में और ये इस वक्त जो इसकी वाइटनेस है जो ब्यूटी है उसको मैंने बिल्कुल ऑफ़ किया हुआ है, तो इसका ये हाल है ठीक है। और मैं आपको एक मिनट एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इसकी वाइटनेस बढ़ी हुई है और ये देखें कितना इसने बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जो है ना मेरे चेहरे पर भर दिया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही है, इतना नहीं होना चाहिए था। अच्छा अब मैं आपको एक वीडियो सैंपल भी दिखाता हूँ जो इसके फ्रंट कैमरा से मैंने रिकॉर्ड किया है। ये सैंपल जो है मैंने इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है फ्रंट कैमरा की, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कैमराज को लेके यार फोन अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे के लो लाइट की परफॉर्मेंस की तो उसकी भी कुछ स्टिल्स और वीडियोज है मेरे पास, आइए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये लो लाइट सेल्फी है Realme 5 की, आप लोग देख रहे हैं इस तरह की यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है वो हमें मिलती है, तो लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैसे इसका कैमरा। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस, बैक कैमरा की परफॉर्मेंस, मैंने लो लाइट में भी आप लोगों से जो सैंपल्स थे वो शेयर किए और डे लाइट में भी मैंने सैंपल्स शेयर किए, वीडियो में भी देखा हमने, स्टिल्स में भी देखा। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इस प्राइस रेंज में ये कैमराज बेहतरीन है। तो अगर आपको एक इस प्राइस रेंज में मतलब 23 से 24 हज़ार रुपये के बीच में ऐसा फ़ोन लेना है जिसके कैमराज अच्छे हों तो Realme 5 डेफिनेटली एक अच्छी डिवाइस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद रिव्यू की वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।